शादी करेगा, इसमें वो अपनी राय रखे। इसके बाद यूपी में ही एक खाप के नेता है शामली से, वो ये बताते हैं कि ये तो भूल ही जाओ सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हम औरतों को स्कूल भेजना तो क्या उनको पैदा भी नहीं होने देंगे। ऐसे ही घटना एक तरफ सुप्रीम, एक तरफ कोर्ट, जब जितने प्रोग्रेसिव चेंजेस आए हैं चाहे वो लॉ में हो, रेप लॉ में हो या फिर घरेलू हिंसा डाउरी केसेस, इसमें जो पॉजिटिव चेंजेस आए हैं उसको रिवर्स करने की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ ऐसे आउटफिट जो है जो कि सरकार की मदद से काम कर रहे हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि पद्मावत फिल्म को लेके, उसकी रिलीज को लेके कि क्या हुआ, अब करणी सेना मैदान में तो उतर गई, क्या करणी सेना मैदान में उतर गई औरतों की आन, औरतों की शान ये सब बोल के। हम में से किसी ने भी देखा है कोई करणी सेना के प्रोटेस्ट में एक भी औरत जो कि बोल रही है कि ये मेरी शान के खिलाफ है इसलिए फिल्म बंद होनी चाहिए, एक भी औरत नहीं दिखाई दिया। तुम पुरुष तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाली कि मेरा लाइफ मैं कैसे जीऊंगी, ये आप लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन वही करनी सेना जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है कि फिल्म को रिलीज होने देना जाना चाहिए, उसके बाद भी स्टेट गवर्नमेंट ये बोल रहे हैं कि हम सोचेंगे, हमारे हमारे राज्य में हम सोच के देखेंगे कि हम क्या करेंगे, इस फिल्म को रिलीज होने देंगे या नहीं देंगे। हालांकि फिल्म के साथ मेरी सहमति नहीं है और मेरा ये मानना है कि बहुत ही बकवास घटिया फिल्म है, तो क्योंकि वहां पे यही दिखाया गया है कि अगर एक औरत के साथ रेप होता है तो फिर अडवाणी जी भी बोल चुके हैं औरत तो जिंदा लाश है तो उसको जीने की कोई हक नहीं है, तो इसीलिए तुम मर जाओ, तुम सुइसाइड कर लो लेकिन लड़ो मत, ये फिल्म भी वही कहता है। इसलिए फिल्म के साथ मेरी सहमति नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ करनी सेना भी कोई नहीं होता जिसमें एक भी औरत के शान के खिलाफ है, लेकिन कुछ रिग्रेसिव फ्यूडल माइंडसेट रखने वाले पुरुष सामने आके बोल रहे हैं कि ये फिल्म हम इसलिए नहीं